हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। तो भाई होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया हो गए। मैं बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। तुम्हारा भाई आज अपने रायनों अंदर थोड़े बहुत काम कराने वाला है। क्या काम कराने वाला है इसी वीडियो में पता चलेगा आपको। हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो रखी है रायनों की, तो थोड़ा टिच स्टार्ट फिट फाइट करना है इसको एकदम बढ़िया। दिखाता हूँ फिलहाल कंडीशन कैसी है, स्टे ट्यून्ड। तो भाई हालत अपनी रायनों की कुछ ऐसी है, फुल गंदी हो रखी है। अभी पिछले दिनों खूब बारिश भीगी है, यहाँ तक पानी था इसके अंदर। तो ये लगा लो, हालत बुरी हो रखी है। इसको वॉश भी कराना है। इसका एग्जॉस्ट लगाया था, एग्जॉस्ट लगाया, लेकिन अब क्या है कि बिना एग्जॉस्ट के मज़ा आ रहा था। अंडर वैली वाला एग्जॉस्ट यूज़ करा था तो उसका मज़ा लगता है, इसका मज़ा अब नहीं आ रहा क्योंकि उसमें आवाज़ ही नहीं आ रही है। इवन यहाँ पर क्या है कि इसका जो बैंड पाइप है, आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ से देखो ये क्रैक भी हो गया है, तो इसको वेल्ड भी कराना है। तो आज की वीडियो में इसको वेल्ड कराएंगे, इसको रिमूव करेंगे। और यहाँ पर सीन क्या है कि जो टॉप रैक है, इसकी जो सपोर्ट थी ना सैडल स्टे, तो वो निकालेंगे। वैसे इसकी सपोर्ट जो है, मतलब स्ट्रेंथ जो है बेसिकली, वो ख़त्म हो गई, हिल रहा है। तो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं आ रही है, क्योंकि इसके अलावा इसमें कोई है ही नहीं। मतलब यहाँ पे माउंट है, इसके अलावा कोई माउंट है ही नहीं, तो इसलिए ये सैडल स्टे भी लगाएंगे। सैडल स्टे की जो प्लेसमेंट आ रही थी, माउंटिंग फिटमेंट, वो यहाँ पर आ रही है, ठीक है, इसके यहाँ पर, ठीक है। बट मेरे को क्या करना है, उसको यहाँ से जो पाइप आ रहा है, वो जो यहाँ लग रहा है, उसको रिप्लेस करके उसी जगह जो यहाँ पे होल है, यहाँ पे एडजस्ट कराएंगे उसको। तो ये सारा काम मैं इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ एक ही में। मतलब वॉशिंग भी दिखाऊंगा, सारे काम दिखाऊंगा, लास्ट में पॉलिश करके आपको प्रॉपर वीडियो देने वाला हूँ। तो इसमें पूरा दिन जाएगा मेरा। तो भाई अभी से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लेना। चलो मिलते हैं आगे। सबसे पहले तो इसका ये रिमूव कराते हैं और इसको वेल्ड कराते हैं, देन उसके बाद इसकी फिटमेंट और उसके बाद वॉश फिर पॉलिश। ओके सो गाइज, मैंने इसका जो है जो वो था एग्जॉस्ट, वो निकाल दिया है। फिलहाल इसके अंदर अंडर वाले एग्जॉस्ट जो पहले चल रहा था वैसी कर दिया, क्योंकि इसके अंदर ना पुरानी वाले डोमिनर में ये सीन था कि दो एग्जॉस्ट मिलते थे हमारे को, एक अंडर वाले मिलता था ये वाला देख सकते हैं, ठीक है, और एक मिलता था बाहर वाला। और अब जो आ रही है उसके अंदर क्या है कि बैंड पाइप से आकर सीधा यहाँ पे डुअल बैरल जो होता है, मतलब डुअल बैरल बोलेंगे उसको, तो उस टाइप का एग्जॉस्ट निकाल दिया है। तो उसमें क्या है कि आप वो रिमूव करते हो बाहर वाला, तो सीधा बैंड पाइप रह जाता है, जो कि बहुत गंदी आवाज़ देता है। कहीं ना कहीं मुझे पसंद नहीं है आवाज़, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। बट इसकी आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है मुझे, इसके अकॉर्डिंग जो बाहर लगा होता है। तो वो मैंने निकाल दिया पहले की तरह, ये बाहर निकाल दिया। अब यहाँ से जो है इसको वेल्ड करा लेंगे फटाफट से फहीम भाई के पास जाकर, ठीक है, उसके बाद जो इसका साउंड अच्छा आएगा। फिलहाल अभी साउंड कैसे कर रहा है ये सुनाया था आपको मैं। तो भाई एग्जॉस्ट मैंने बाहर बाहर निकाल दिया था, वेल्डिंग जो है अंदर वाला भी निकलवाने के बाद ही होगी, उसके अलावा नहीं होने वाली थी। सीन ये है कि इसके अंदर बड़ा हुआ एग्जॉस्ट देख सकते हैं, अंडर वैली जो यूज़ करता था पहले मैं, तो अभी क्या है इसका जो पाइप है ना, थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर रह गया है इस वाले हिस्से में। अब क्या है, इसे पकड़ के ना ऐसे खींचा जाएगा बाहर, उसके बाद ये जो पीस बाहर निकलेगा वो इस वाले पीस में यहाँ पर, ये यहाँ पर इसमें हो जाएगा वेल्ड, ठीक है, इसमें वेल्ड हो जाएगा इस वाले पीस में, और उसके बाद जो है फिर ये ओके हो जाएगा मामला। फिलहाल विदाउट दोनों एग्जॉस्ट, मतलब अंडर वैली और बाहर वाली, इनके बिना आवाज कैसी कर रही है अपनी रायनों, ये सुनाया था आपको। स्टे ट्यून्ड। कान बंद कर ले। तो भाई ये जो है पत्ती बाहर आ चुकी है, देखो ये जो पाइप है ना टूटा हुआ है, ठीक है, इसको जोड़ेंगे हम और जोड़ के वापसी इसमें फिट कर देंगे, है ना। ये क्लैंप को फंसा दे वहाँ पे, है ना, दिक्कत ना दे बाद में, ठीक है भाई। देखो ये टूटा हुआ है फहीम भाई, ये आ तो गया मामला बाहर। एग्जॉस्ट का जो है पाइप वाइप सब बेल्ट होकर वहाँ पे आ गया, ठीक है जी। अभी जो है मलगाट कट कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, मतलब मैं नहीं करूँगा भाषा कर, यहाँ से कट करवाऊँगा उसको मैं, और पूरी शेप लूँगा यहाँ से। बाद में जब उसको सब सेल करेंगे तो मलगाट जो है नया लगवा देंगे, मलगाट पुराना ही मिल जाएगा नया मिल जाएगा, अपने पास है सोर्स। फिलहाल जो है इसको कट करवा रहे हैं ताकि इसमें बेहतर लुक दे सकूँ मैं, ऑफ रोडिंग वाला, ठीक है। थोड़ा अग्रेसिव लुक देना है, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगा आई नो, बट मुझे पसंद है इसलिए मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो भाई आगे का जो मरगाट है वो प्रॉपर कट गया है। अभी क्या सीन है कि इसका जो फेंडर है, जो ऊपर वाला ऑफ रोडिंग वाला फेंडर होता है, बीग जिसे बोलते हैं, तो वो हम जो है परचेस करने जाएंगे अभी।
तो उसकी वीडियो तो खैर अलग मिल जाएगी मोटो व्लॉग, बाकी फिलहाल ये है कि इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट सेटअप मिलेगा, जब तक वो अलग वीडियो में मिलेगा और ये अलग वीडियो में, ठीक है ना। तो यहाँ से मरगाड़ आ जाएगा इतना ऊपर, और ये जो है अभी मुझे ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है, लेकिन क्या पता लगने के बाद अच्छा लगे। तो स्ट्रेट ट्यून गाइस, जैसा भी कुछ होगा आपको पता चली जाएगा। और बाकी इसका जो यहाँ पे फ्रेम आ जाएगा नंबर प्लेट का, और यहाँ पे जो हमारा सैडल स्टे वगैरह रह गए वो लग जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट ट्यून। तो भाई ये हो गया वेल्ड, यहाँ से इसको फिट करेंगे, और फिट करने के बाद इसकी प्रॉपर फिटिंग के बाद फिर जो सैडल स्टे हम पर रखे हैं वो भी फिट कर देंगे, ठीक है। वेल्डिंग करा लें पक्की वाली, और ये है कि पहले भी हो रखी थी, मुझे अभी पता चला है, पहले पीस गला हुआ था, लेकिन हमने करवाई है इस बार खतरनाक वाली मजबूत वाली वेल्डिंग, ठीक है भाई। वास्तव में फिट करो, झाड़ ले इतना झाड़ देगा। तो कभी भी वेल्डिंग कराते हो ना, तो वेल्डिंग टिप्स दे रहा हूँ आपको कि ना, एक मिनट क्यों, वेल्डिंग टिप्स ये है कि वेल्डिंग कराते ही ना ठंडा मत कराना, ऐसे ठंडे होने नॉर्मल वेदर में, उसके बाद जो है फिर ये फिर पक्का हो जाएगा। कर भाई ये जो फ्रेम है नंबर प्लेट फ्रेम देख सकते हैं, ये बैनली हायाबुसा स्टाइल, तो ये हम रिमूव करके नंबर प्लेट निकालेंगे और यहाँ लगा देंगे ऊपर की तरफ ऐसे, और बाकी ये रखते हैं घर पे। वह तो हसमत की नज़र है इस पर, लेकिन मैं हसमत को दूंगा नहीं, इस बार नहीं दूंगा फ्री में भाई। पिछली बार तुमने मेरा पोपट काट दिया करा, अरे भाई तूने जवान दिया, अब तो भाई आधे रेट पे ही लूँगा। फिलहाल मैं बेचूंगा नहीं, मेरे बाद में काम आएगा, ठीक है ना। तो इसमें से नंबर प्लेट जो है ना रिपीट ये निकलवाते हैं गौरव के पास चल के। भाई नए वाले फ्रेम के अंदर जो हमने बग्गा लिंक से खरीदे थे कीर्ति नगर से, तो वो मैंने इसमें नंबर प्लेट फिट कर दी है, ठीक है जी। अब इस नंबर प्लेट में इसकी जो राइजर होते हैं, नंबर प्लेट के जो राइजर होते हैं, अभी दिखाता हूँ आपको, मैंने वो क्यों मंगाए थे। चाबी इसमें लगी होगी, तेरे को दी थी चाबी, तो मैं लेके नहीं गया था चाबी, सीट पे तो लगी नीचे, सीन ये जब यहाँ आएगा ना इसकी प्रॉपर फिटिंग है, तो ये यहाँ पे देखो इसमें गैप नहीं बचता बिल्कुल। भाई वाइजर खुल रहा है, वाइजर के अंदर जो बोल्ट रबड़ रबड़ वाले बोल्ट होते हैं, नट होते क्या होता है, रबड़ होती है, रबड़ के अंदर जो वो होता है ना एक नट सा होता है वो समझ लो उसमें होता है, वो मेरा ख़राब हो रहा था, तो क्या सीन है कि वो भी नहीं डलवा दूंगा, प्लस जो फ्रेम बनाया हमने वाला मतलब बनाया सेट करा जो भी वो भी यहाँ लगाएंगे। इसके जो राइजर है वो यहाँ रखे हुए हैं, ये राइजर नंबर प्लेट फ्रेम राइजर बोलते हैं, और ये हैं वो जो रबड़ बता रहा हूँ आपको मैं, तो ये डल जाएंगे हमारे फ्रंट वाले हेडलाइट में, और ये राइजर हैं फ्रॉम कर्नाटका, ठीक है जी। ये हैं देखो क्या बात है, तो एक ये है इसके कुछ नट बोल्ट्स ये पड़े, और एक पीस ये रहा, ठीक है जी। और ये हैं कार्बन रेसिंग, ठीक है, कार्बन रेसिंग है, यहाँ से मैंने मंगाया था ये, ठीक है जी। हाँ ये एक्सटेंडर है देखो, इस ये वाली जो फिटमेंट है वो यहाँ आ जाएगी, ये बोल्ट इसके साथ आए थे नट बोल्ट, ये टाइट हो जाएंगे। अच्छा एलंकी वाले बोल्ट हैं, बढ़िया वाले हैं, सही है सही, लगाओ भाई लगाओ। फाइनली अपनी नंबर प्लेट जो है फ्रंट पे लग चुकी है, और इसके राइजर है ये है, इसका फ़ायदा क्या भाई, आफ्टर मार्केट जो विंडशील्ड होती है उनके लिए आपको स्टॉक वाली जो फ्रेम होता है अगर वो लगाना है तो आपको राइजर मंगाने पड़ेंगे कार्बन रेसिंग से, जो मैंने मंगवाए थे देख सकते हैं। अब हमारी जो नंबर प्लेट नीचे लगी थी वो ऊपर आ चुकी है, ठीक है, जैसे कंपनी से आती है, ठीक है, स्टॉक हिसाब किताब हो गया, क्या बात है। तो गाइज़ ये मेरे को महाराष्ट्र से आए थे ATMLS मोटो के पास से, इसका लिंक मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अभी सीन ये है कि इसकी जो प्लेसमेंट है ना वो यहाँ पर आकर जो फिटमेंट बन रही है फुटरेस्ट में बन रही है, जो कि मुझे पसंद पर्सनली नहीं आई, वैसे ठीक है बट मुझे नहीं पसंद आई, तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला पीस अलग कराएंगे अभी ग्राइंडर की मदद से, और उसके बाद फहीम भाई के पास लेके जाऊंगा, तो इसका जो मुंह है ना वो ऐसे घुमा देंगे इस तरफ, और फिर जो है मेरा जो फुटरेस्ट वाला एरिया उसमें एक होल है तो वहाँ पे इसको हम ऐड ऑन करा देंगे। तो फिलहाल ये प्रोसेस कैसे होने वाला है ये इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, स्ट्रेट ट्यून बिल्कुल भी स्किप मत करना। फिलहाल इसको अलग करते हैं और इसको फिट कराते हैं पूरे सैडल को। तो गाइज ये जो है हमने यहाँ से निकाल लिया, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे वेल्ड हो रखा था, ठीक है जी। अब इसको क्या है कि जैसे ये जो इसका मुंह है ना अभी ऐसे था तो मैं ऐसे करवा दूंगा, और जो यहाँ पे बोल्ट है तो इसमें ऐसे करके आ जाएगा पीछे से, बस में तो क्या होगा कि मेरे जो फुटरेस्ट की जो फिटिंग है ना वो ओके रहेगी, और जिसमें क्लिक क्लिक आवाज आती है वो आवाज़ सुनना यही ना क्लिक क्लिक, तो इसमें क्या है बेसिकली यहाँ पे वो होती है गोली सी होती है लगी हुई, ठीक है ना, देखो यहाँ पे हो गया वो क्लिक क्लिक आवाज़ करती है, देखो ये यही ना बस, तो ऐसे आवाज़ करती है बढ़िया है। इसमें क्या होता है फुटर ढीला भी नहीं होता, एकदम टाइट रहता है, और ये लगा रहा था थोड़ा ढीला सा आ रहा था, इसलिए मैं इसकी प्लेसमेंट यहाँ करा दूंगा कुछ इस तरीके से, ठीक है ना मास्कर। और ये हमारे सेटल से हिसाब से सेट हो जाएंगे, वेल्ड करा दूंगा तो तब ये लपड़ा खत्म हो जाएगा, हाँ फिर यहाँ का कलर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको फिलहाल फिट करा लेते हैं, और ये दो पीस ले जाऊंगा वेल्डिंग कराने के लिए, ठीक है, यहाँ बोल्ट लगा के टाइट कर देते हैं, ठीक है मास्टर।
फाइनली हमारा काम हो गया, मतलब आगे का जो सेटअप था वो भी ओके हो गया है, नीचे की वेल्डिंग थी वो भी ओके हो गई है, सैडल स्टे टॉप रैक की जो बैलेंसिंग थी वो भी आपको दिखाता हूँ। पहले क्या और था कि खाली इसके वजह से, ये ना होने की वजह से इसमें से जान नहीं आ रही थी, अभी इसकी जो स्ट्रेंथ है ना वो यहाँ से जुड़ जाएगी, ठीक है, वो हम जुगाड़ कोई ना कोई निकालेंगे। बाकी फ़िलहाल ये है कि कुछ तो लफड़ा हो रहा है, अच्छा वो उसकी प्लेसमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी जाके ना क्या सीन है, इसको यहाँ से निकाल के ऐसे, और इसकी पत्ती देख कैसे, ओ ये कैसे करेंगे यार, तो बहुत गैप आ गया इसमें, थोड़ी सी हल्का वो खींच के कर देगा फ्रेम भक्त, हाँ तो ऐसे करते, हाँ ये ठीक रहेगा, हाँ ये ठीक रहेगा, ऐसे करके वेल्ड करा लूँगा इसको मैं, हाँ ठीक 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 ठीक, फिर बाद में इसको फ्रेम आके सेट कर देंगे हम, ठीक है। तो भाई ये काम कराते हैं, बाकी फ्रेम निकाल दिए बाद में काम आएगा, कुछ सामान इसमें रखा है तो यही बाद में काम आएगा, ठीक है, डब्बा और ये हटा दो, ओके। तो भाई इसकी जो फिटमेंट है वो हमने चेंज करा दी, लग रहा है थोड़ा ऊपर कर लो ना, लग रहा है भाई, अच्छा उसमें लग रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लगाओ लगाओ, उतार के करोगे ऐसे करोगे, पक्का हो जाएगा मस्त भाई। देख रहे हो दोस्तों, हाथ से पकड़ा हुआ इन्होंने, बिना किसी सपोर्ट के, बिना कोई कवर के, कोई प्रोटेक्शन नहीं, ये देखो, तो ये मजदूर का हाथ है कातिया हंसे नहीं, वाकई भाई बड़ा डेयरिंग काम है, मतलब हम तो देख के डरते हैं, दूर होते हैं कि चप्पलें हमारे पैरों में चिंगाई ना जाए, ये तो बगल में हाथ से पकड़े खड़े, क्या बात है भाई। तो भाई इनकी हिम्मत को भाई सलाम है, बाकी सेटिंग हो जाने दो, पूरी हो जाने दो, वॉश होगी यहाँ से, अब काम होते ही सीधा जाएगी अंदर वॉशिंग में, और वॉश होगी फिर निकलेगी बाहर, ठीक है। सो गाइस ये है फाइनल टचअप, इसके अंदर क्या है, इसको पूरा पक्का कर देंगे एकदम एक्यूरेट, फिर ये हिलेगा डुलेगा नहीं, ठीक है ना। बस अब सारे काम समझ लो हो ही गए, ऑलमोस्ट वीडियो एंड पे चल रही है, बस ये होना है, फिट करेंगे तो दोबारा यहाँ पर, और उसके बाद अपनी राइनो देखो अभी फिलहाल कितनी गंदी है, देखो बहुत ज़्यादा गंदी है, मतलब ये लगा लो मसूरी राइड के बाद ये एक बार वॉश नहीं हुई है, वॉश कराएंगे इसको, वॉश करा कर फिर वीडियो एंड करेंगे। फिलहाल मेरा गार्ड कट गया है, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, अकवर्ड लग रही होगी, बट जल्दी ही इसका लुक जो है सेटल हो जाएगा। गाइस अपनी राइनो जो है पूरी की पूरी वॉश हो चुकी है, देखो साइड से, देखो इस साइड से इसका डायमंड कट भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, और आगे से देखो और इस साइड से देखो, ठीक है। अभी इसका जो ऑफ रोड जो बीक है वो मैंने ऑर्डर कर दिया है, करोल बाग नहीं जाना हुआ हमारा, कैंसिल हो गया किसी कारण, तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, ये जो है इसकी फिटमेंट वहाँ पड़ी हुई है वो उधर, ठीक है, वो मैं फिट कर दूंगा, ठीक है, और लुक जो है आपको दिखा दूंगा लास्ट में। फिलहाल दिस इज इट फॉर द वीडियो, अगर अच्छी लगी हो वीडियो और अच्छा काम तो भाई ज़रूर लाइक करें बिना मत जाना, ठीक है ना, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाबा लव यू ऑल, राइड हार्ड, राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय। ये लो जी फिटिंग हो गई पूरी, ये देखो प्लेसमेंट जो इसकी है यहाँ पे कराई है मैंने, ये देखो जो यहाँ कराई है वो पहले क्या थी, स्टॉक में जो कंपनी से हमें आया था ये महाराष्ट्र से, तब वो यहाँ फिटिंग थी इसकी इस फुटरेस्ट में, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा था ये ढीला पड़ जा रहा था, मजेदारी नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से मैंने इसकी प्लेसमेंट यहाँ करा दी, ठीक है, और मजबूत एकदम टिकाऊ रिपोर्ट देखो पूरा एकदम फिट कर दिया हमने, ठीक है, सेम एज इट इज़ इधर भी हमने वही सेम करा है, ठीक है, हमारे फुटरेस्ट प्रॉपर फिटिंग विटिंग कर रहे हैं एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। साइड से लुक देखो, पीछे से देखो कुछ ऐसा, ठीक है, साइड से लुक चेकआउट कराता हूँ फटाफट से, ये देखो जी, तो फुल भारी भरकम लग रही है अपनी बाइक, एकदम ओके हो गई है फटाफट से, जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी आप लोगों की वीडियो दूसरी आएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, ठीक है, चलो बाय बाय।